ग्रुप का ऑर्डर गिवेन होगा अप टू 10, ठीक है, 1 से लेके 10 तक, और उनके क्लास इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे. दिस इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये ग्रुप और ये हमारा द क्लास इक्वेशन. ग्रुप का ऑर्डर 1 है, ठीक है, तो जो ग्रुप होगा वो हमेशा Z1 होगा, यानी एक ही वाला आइडेंटिटी होगी उसमें, दैट इज साइक्लिक. तो क्लास इक्वेशन क्या हो गया, 1, ऑफकोर्स 1 इक्वल्स टू 1. नाउ 2, ऑर्डर 2, प्राइम ऑर्डर हमेशा साइक्लिक, सो 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1, तो साइक्लिक है, अबेलियन होगा तो 1 प्लस 1. 3, प्राइम ऑर्डर हमेशा साइक्लिक, 1 प्लस 1 प्लस 1. 4, यानी पी स्क्वायर, जब भी पी स्क्वायर टाइप का होगा तो हमेशा अबेलियन तो रहेगा. यहाँ पे एक Z4 होगा जो कि साइक्लिक, और एक K4 टाइप का होगा जो नॉन साइक्लिक बट अवेलियन. दोनों केस में क्लास इक्वेशन सेम रहेगा, अवेलियन के लिए यही रहता है. अगर ऑर्डर 5 गिवेन है, प्राइम ऑर्डर है, हमेशा साइक्लिक होगा, तो 5 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1. ऑर्डर 6 साइक्लिक तो होगा ही होगा इस ऑर्डर का, और एक हम पढ़ चुके S3, एक S3 होगा. Z6 के लिए हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, और S3 के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3, जो कि हम निकाल चुके हैं. अगर 7 हो, ग्रुप का ऑर्डर 7 हो, तो प्राइम ऑर्डर हमेशा Z7, तो 7 इक्वल्स टू 1 प्लस 8. ग्रुप का ऑर्डर अगर 8 हो, ठीक, तो कैसे कैसे ग्रुप हो सकते हैं ग्रुप ऑर्डर 8 के. एक तो Z8 साइक्लिक है, ठीक है, एक Z2 क्रॉस Z4 अवेलियन है लेकिन नॉन साइक्लिक है, क्योंकि इसका GCD हमारा नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है. एक होगा Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, ये भी अवेलियन है, ठीक है, इसका ऑर्डर भी 8 होगा. नाउ ऑर्डर 8 का हम D4 पढ़ चुके हैं और Q8 भी पढ़ चुके हैं, तो इस टाइप के होंगे. ये तीनों अवेलियन है, सो इन तीनों का जो क्लास इक्वेशन होगा वो सेम ही होगा. नाउ D4 का हम अभी अभी लिखे है, ये Q8 का भी सेम ऐसा ही आया था, तो दोनों का हम एक ही जगह लिख लेते हैं. इक्वल्स टू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब सेंटर में दो एलिमेंट आ रहे हैं, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 9. पी स्क्वायर ऑलवेज अबेलियन, सो ये Z9 होगा और Z3 क्रॉस Z3 टाइप का होगा, तो इन दोनों का क्लास इक्वेशन सेम ही रहेगा, 9 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस एंड 10. एक तो Z10 रहेगा, एक दूसरा D5. D5 का ऑर्डर भी 10 है, ये हम बताएंगे. 2 × P टाइप के ग्रुप जो होते हैं वो या तो Z2P होते हैं या DP होते हैं, ठीक है. तो इस टाइप से इसका जो क्लास इक्वेशन हो गया, ये हम निकाल चुके हैं. इसमें 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5. नाउ सम क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट क्लास इक्वेशन ऑफ G. अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये क्वेश्चन क्या लिखा है वो सही से पढ़ना है, नॉट के लिए देखना है.
कभी कभी ऐसा होता है आपने जल्दबाजी में ये पढ़ा और जो करेक्ट है आपने वो लगा लिया, ठीक है, नॉट वाले छोड़ दिए, यानी हमें नॉट वाले को टिक लगाना है। नाउ नॉट क्लास इक्वेशन ऑफ जी, फोर के लिए नहीं है, फोर हमेशा अबेलियन होता है, ये सही है। सिक्स सही है, और एट ये किसका है, ये क्यू एट का है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, क्लास इक्वेशन है, लेकिन हमें नॉट के लिए करना है, तो ये गलत। एक टेन के लिए ये कभी नहीं होता, हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिक्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ऑर्डर सिक्स का कौन सा क्लास इक्वेशन है, यानी एग्जैक्टली है, दिस मीन्स इज, ओके, ये पॉसिबिलिटी नहीं पूछी है, एग्जैक्टली पूछा है इसका मतलब। तो हमें ध्यान से इसका जवाब देना होता है। हमें पता है ऑर्डर सिक्स के दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है 1+2+3 एंड दूसरा 1+1+1+1, ये दो, जब ये अबेलियन होता है तब, और ये जब हमारा S3 ग्रुप होता है तब होता है। तो अब इसमें देखना है इसके अलावा क्या क्या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे नहीं, इसमें देख सकते हम ये नहीं है, दिस इज नॉट क्लास इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो नॉट, ये भी नहीं है, ठीक। अब बारी आती है इसकी। अब इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिक्स, यानी कौन सा है। अगर क्वेश्चन में वो ये कहता है तो मेरे पास ये वाला भी है, तो मैं तो कहूंगा ये है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, क्योंकि उसने ये ऑप्शन दे रखा है, लेकिन हमारे पास इसको डिस्कार्ड करने के लिए ये भी है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो आंसर इज नन ऑफ दिस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिक्स। अब यहाँ पे उसने कैन बी लिख दिया, दिस मीन्स पॉसिबल क्लास इक्वेशन। सो वी नो ऑर्डर सिक्स के लिए हमारा एक ये होता है, एक ये होता है। तो इसमें देख लेते हैं, देख सकते हैं हम आराम से। तो दिस इज द पॉसिबल, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्या है, इसमें तो इक्वल टू एट आ रहा है, ठीक है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इस टाइप से हम चेक कर लेंगे। नाउ अब क्वेश्चन नंबर फोर में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप जी, दिस इज ऑल्सो कैन बी, लैंग्वेज बहुत मैटर करता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि उसने कहा क्या है, पॉसिबिलिटी है या एग्जैक्टली पूछ रहा है, ये चेक करना है। सो कैन बी, दैट मीन्स फोर ऑलवेज अबेलियन, सो इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ दिस। सिक्स वी जस्ट सॉ हियर, दिस इज करेक्ट। ऑर्डर टेन वी नो दिस इज फॉर D5, सो दिस इज करेक्ट। दिस फॉर अबेलियन ग्रुप, दिस इज करेक्ट। सो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन फाइव, विच ऑफ द क्लास इक्वेशन ऑफ S4। S4 अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो हम चेक कर सकते हैं। 24 क्लास इक्वेशन के लिए कार्डिनलिटी ऑफ जो क्लास होती है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। 14 डज नॉट डिवाइड 24, ये तो नहीं हो सकता। नाउ दे ऑल आर डिवाइड 24 एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइड 24। सो हमने एक तो डिस्कार्ड कर लिया। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिक्स हमारे क्लास दिया है जो कि अलग अलग है, ठीक। इन SN टू परमिटेशन आर कंजुगेट इफ एंड ओनली इफ दे आर सिमिलर, दैट इज दे हैव सेम साइकिल डिकम्पोजिशन। नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास आर इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स
पार्टीशन ऑफ फोर, तो पार्टीशन ऑफ फोर हमें पता है फाइव होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सिक्स अलग अलग क्लास है, तो ये तो हमारा इस टाइप से डिस्कार्ड कर सकते हैं हम। अब बचा ये और ये, पार्टीशन ऑफ फोर फाइव होना चाहिए, ठीक है, यानी फाइव कंजुगेट क्लासेस होने चाहिए, तो यहाँ पे चार कंजुगेट क्लास है, ये भी नहीं हो सकता। फाइनल ये बचा हमारा, यही आंसर होगा, ठीक। तो इस टाइप से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली विच ऑफ द क्लास इक्वेशन ऑफ ए फोर, तो यहाँ पे भी हमें सेम वही करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास शुड नॉट डिवाइड 12, दिस ए डज नॉट डिवाइड 12, सो दिस इज डिस्कार्ड। हियर ऑल आर डिवाइड, ऑल आर डिवाइड, ऑल आर डिवाइड 12, तो दे आर पॉसिबिलिटी। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ, मैं आपको यहाँ पे एक रूल्स बता देता हूँ, वो जनरली यूज होता है। सो नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास इन ए एन इक्वल्स टू साइकल डिकम्पोजिशन ऑन ए एन प्लस वन। सो ए एन में साइकल डिकम्पोजिशन, सपोज हमारे पास यहाँ पे कर लेते, अगर हमारे पास फोर है तो फोर का पार्टीशन 1 1 1 1 1 3 2 2 and 1 1 2 and 1 is 4, तो ये सारे पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो ए फोर में होंगे वो साइकिल डिकम्पोजिशन इवन परमिटेशन वाले होंगे, तो एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, यानी तीन है। सो साइकिल डिकम्पोजिशन आर 3 + 1 फॉर ए फोर के लिए है इक्वल्स टू 4, तो क्लास इक्वेशन जो है वो 4 होंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 है, ये भी डिस्कार्ड। अब इन दोनों में से एक होगा, वो हमें चेक करना था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस टाइप, हम इसमें चेक कर लेते हैं। 2, 2 जिसका साइकिल डिकम्पोजिशन है वो एलिमेंट हमें फाइंड आउट किया हमने, वो 3 आ गया, तो ये करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, मे भी ये 3 हो सकता है। लेकिन अगर आप 1, 3 के लिए चेक करेंगे वो एलिमेंट हमारे 8 आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कोई भी ऐसा क्लास नहीं है जो दो बराबर नंबर पे स्प्लिट हुआ हो, तो ये भी नहीं हुआ। डायरेक्ट हम ऐसे भी देख सकते हैं, जो भी क्लास होता है ए एन में एक ऐसा नंबर होता है जो दो भाग में बराबर स्प्लिट हुआ होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि हमने ए थ्री ए फोर ए फाइव इनके लिए देखा था, तो ए फोर में भी था, तो ये भी नहीं हो सकता। सो बचाइए, तो ये आंसर होगा इसका करेक्ट। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर याद हो, आपने अगर क्लास इक्वेशन किए हो किसी ग्रुप के भी, आप डायरेक्ट एक बार देख के आप